नमस्कार, मैं अंकुल कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल nkhabar.com। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। छात्र इसे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इस बार यूपी बोर्ड में कानपुर के गौतम रघुवंशी ने हाईस्कूल में टॉप किया है, वहीं इंटरमीडिएट में बागपत ज़िले के तनु तोमर ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में इस बार 80.07% छात्र और इंटर परीक्षा में 70.07% छात्र पास हुए हैं। जहां हाईस्कूल टॉपर गौतम रघुवंशी IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहीं इंटरमीडिएट टॉपर तनु तोमर डॉक्टर बनना चाहते हैं। साल 2018 के रिजल्ट की तुलना में इसे देखा जाए तो इस बार हाईस्कूल में 4.98% की वृद्धि हुई है, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुछ कमी आई है। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 दिनों में पूरी हुई थी, जिसमें 8 लाख से भी अधिक छात्र बैठे थे। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 8354 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें CCTV और कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। आप यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम को अपने मोबाइल पर भी आसानी से देख सकते हैं, बिना इंटरनेट के वो भी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से सिर्फ एक मैसेज करना है। अगर आप 12वीं बोर्ड का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको लिखना है UP12 स्पेस अपना रोल नंबर और उसे 56263 पर भेज देना है। ऐसे ही अगर आप हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना है UP10 और उसके बाद फिर आपको अपना अनुक्रमांक नंबर डालना पड़ेगा, इसे भी 56263 पर भेज दें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहें nkhabar.com। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।